नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध तो मजबूत हुए ही, साथ ही भारत ने एक बार फिर युद्ध की बजाय वार्ता के जरिए समाधान निकालने पर जोर देकर स्पष्ट कर दिया है कि वह रूस यूक्रेन युद्ध के विषय में तटस्थ भूमिका नहीं निभा रहा, बल्कि वह शांति के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा है। वैसे मोदी के रूसी दौरे से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ी ताकत मिली है, क्योंकि पश्चिमी देश उन्हें अलग थलग करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मोदी पुतिन वार्ता ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका में नाटो शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। देखना होगा कि रूस को लेकर पश्चिमी देश रणनीति में क्या बदलाव लाते हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया। दोनों नेताओं ने कच्चे तेल के मुद्दे पर भी चर्चा की। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को चुनावी जीत के लिए बधाई भी दी। हम आपको याद दिला दें कि इस साल मार्च महीने में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की थी। तो हाल ही में भारत में संपन्न लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA लगातार तीसरी बार सत्ता में आया और मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला। क्रेमलिन ने मोदी पुतिन द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति को भारत आने के लिए निमंत्रण दिया। रूसी राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया। ब्रिक्स सम्मेलन इस साल अक्टूबर में रूस के कजान शहर में होगा। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठाया और कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है और शांति के लिए वार्ता करना जरूरी है। हम आपको यह भी बता दें कि मोदी और पुतिन की वार्ता ऐसे समय पर हुई है जब आज से ही अमेरिका में नाटो का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। नाटो शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में नई रणनीति बनाए जाने की संभावना है। इसके अलावा मोदी और पुतिन ने 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहित विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए कई अहम घोषणाएं भी की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रूस को भारत का सुख दुख का साथी और सबसे भरोसेमंद दोस्त बताते हुए पिछले दो दशकों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व की प्रशंसा की। खास बात यह है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी नेता को अलग थलग करने के पश्चिमी देशों के प्रयासों के बीच भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पुतिन की यह प्रशंसा की। मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता रहा है, मैं उसका कायल रहा हूं। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है, उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है, भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजवा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्म जोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवर ग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने
भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया, भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। हम आपको यह भी बता दें कि सोमवार रात को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने सरकारी आवास नोवो ओग्री योवो पर एक निजी मुलाकात के तहत स्वागत किया था। इस दौरान उन्होंने देश की प्रगति के वास्ते किए गए कार्यों के लिए मोदी की प्रशंसा की। सरकारी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक आवास पर अनौपचारिक बैठक के दौरान पुतिन ने मोदी से कहा, मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि आपके कई वर्षों के काम का नतीजा है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा, आपके अपने विचार हैं, आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं जो भारत और भारतीय लोगों के हित में परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं। पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है और लोग इसे महसूस कर सकते हैं। मॉस्को के बाहर सरकारी आवास पर चाय के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच अनौपचारिक बैठक के दौरान मोदी ने अपने देश में हुए हालिया चुनावों को याद करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने उन्हें मातृभूमि की सेवा करने का मौका दिया है। इस पर पुतिन ने कहा, आपने अपना पूरा जीवन भारतीय लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है और वे इसे महसूस कर सकते हैं। तास की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा देश और इसकी जनता। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में नोवो ओग्रियोवो में उनकी मेजबानी के लिए राष्ट्रपति पुतिन के प्रति आभार व्यक्त किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।